हेलो बच्चा लोग, तो चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे करते हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा करेक्ट होंगे, मोर देन वन करेक्ट टाइप वाला पैटर्न है ये। अभी तक अपन वन करेक्ट वाला कर रहे थे, तो उसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पीएच, पहला स्टेटमेंट है पीएच ऑफ 10⁻⁸ मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 8। तो हम लोग बात किए हैं कि एसिड सॉल्यूशन का पीएच कभी भी 7 से ऊपर नहीं हो सकता है, तो पानी का कंट्रीब्यूशन काउंट करते थे और इसका पीएच 6.9 के अराउंड आएगा। तो ये अपना हो गया फॉल्स। कंजुगेट बेस ऑफ दिस इज दिस। तो हम लोग पता है कि एसिड दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, अगर कंजुगेट बेस बनाना है तो एच प्लस रिमूव करना पड़ेगा, एच प्लस रिमूव। तो एक प्लस चार्ज रिमूव किए हैं, पहले से माइनस था, है ना। टोटल चार्ज बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर हमेशा होता है, तो एक माइनस पहले था तो ये 2- रहा होगा क्योंकि एक एच प्लस निकला है। देखिए -1 चार्ज आ गया, ठीक है। तो एच प्लस निकलने से कोसी के भी ऊपर एक माइनस बढ़ जाता है, तो ये ट्रू है। आउटो प्रोटोलिसिस तो ऑफ वाटर, जिसको के डब्ल्यू बोलते थे, पानी एच प्लस और ओ एच माइनस में टूटने को, ये टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। जी हाँ, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था और टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। इनफैक्ट अपने पास डेटा भी होता है कि लगभग 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 10⁻³ हो जाता है, ठीक है। तो ओरिजिनली कितना होता है, 10⁻¹⁴। तो ये बढ़ गया ना, -13 बड़ा होता है 10⁻¹⁴ से, ठीक है। तो इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, तो ये भी ट्रू हो गया, सी ऑप्शन भी। फोर्थ बोलता है सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड। अगेन नहीं समझ में आता है, एग्जाम्पल ले लीजिए। वीक मोनोप्रोटिक एसिड ये रहा, टाइट्रेटेड विद ए बेस एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन। हाफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब पहले ये 2 रहा होगा, NaOH से टाइट्रेशन शुरू कर देंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, आधा ये ख़त्म हो गया हो, आधा ये ख़त्म हो गया तो कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो बना क्या होगा, CH3COONa प्लस पानी। ये शुरू में 0 रहा होगा, लेकिन थोड़ा देर बाद ये जब कुछ कुछ ड्रॉप डाले, आधा एक बार ख़त्म हो गया तो ये कितना बना होगा, आधा। NaOH तो कंज्यूम हो गया इसको न्यूट्रलाइज कराने में, तभी तो ये बना है, ठीक है। फिर और ड्रॉप NaOH डालेंगे तो और भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा बाकी जो बचा है। तो देखिए, वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट, ये क्या होता है, बफर, बफर ऑफ ए वीक एसिड एंड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो इसका पीएच क्या होता था, पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन, है ना। अब सॉल्ट जो है वो 1 है, एसिड जो है वो भी 1 ही बचा है, देख सकते हैं अपन। तो ये दोनों 1/1 क्या हो गया, log 1 0 होता है, ठीक है। तो ये अपना टर्म ख़त्म हो गया। तो पीएच किसके बराबर है, पी के ए के बराबर है। क्या हाफ पी के आया, नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, B, C, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, इतने क्वेश्चंस अपन कर लिए हैं PYQ का, तो अब ये आसान लगना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे वो पहले देख ले, उसके बाद इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। चलिए, बाय एवरीबॉडी।